प्रखंड के उदलाबाड़ी सिलीगुड़ी बस स्टैंड के सामने आदिवासी गोरखा संयुक्त समिति के तत्वाधान में निष्पक्ष जांच और दुष्कर्म दोषियों को फांसी की सजा देने की मांग पर आमरण अनशन शुरू किया गया है। इस बारे में आदिवासी गोरखा संयुक्त समिति के अध्यक्ष संगन मोक्तान ने बताया कि उत्तर बंगाल के अलग अलग जगहों पर 3 बेटियों के साथ दुष्कर्म कर उनकी हत्या कर देने की घटना घटी है। घटना के इतने दिन गुजर जाने के बावजूद भी पीड़ित परिवार को अब तक न्याय नहीं मिला है। हमारी मांग है कि निष्पक्ष जांच कर घटना में शामिल दोषियों को चिन्हित कर फांसी की सजा दी जाए। चाहे तो जुन जाति धर्म को शामिल अपने मतलब से तर हम चेली हम गाँव को चेली आज विवश हत्या भैया रेप कर हत्या भर निर्मम हत्या भैया को न्याय को निम्ति आज को यह हमें अनशन सुरू कर सरकार समक्ष हम यही मांग कि अपराधीलाई पोस्को कानूनको तहत उनीहरूलाई पक्रेर केस चलाएर फाँसी दिनुपर्छ। दण्ड सठिक दण्ड एकदम दण्ड दिएर चाहिँ उनीहरूलाई गरिनुपर्छ चाँडोभन्दा चाँडो भनेर चाहिँ आज गरेको। तर आज हामीले यसलाई धारावाहिक अनसन सुरु गर्छौँ भनेर भनेको थियो तर मालबजारको नगर निगम चुनावले गर्दा चाहिँ हामीले आज एक दिनको लागि मात्रै गर्दैछौँ। तर 23 तारिकको बादमा कानुनद्वारा सरकारद्वारा कुनै न्यायिक हामी सठिक न्याय हामीले पाएनौँ भने तिनजना नानीले न्याय पाएन भने चाहिँ यो भारतको कुना कुनासम्म यो आन्दोलन तीव्र गतिमा हुनेछ।